नमस्कार, ई न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। विगत दिनों से हड़ताल पर चल रही महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर, सहायिका और कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाकर आज शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। इनके द्वारा शहर में रैली निकाली गई और रैली के माध्यम से ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्ता और सहायिका के संयुक्त मोर्चा ने स्थानीय विधिका भवन में आम सभा करने के बाद रैली निकाली। शहर भर में निकाली गई इस रैली में प्रदर्शनकारियों के हाथ में घंटी और थाली देखी गई, जिसे बजाकर उनके द्वारा प्रदेश सरकार को होश में आने की बात कही जा रही थी और अपनी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया जा रहा था। माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज ले जाते समय एमपी में एक घटना घटित हो गई। अतीक अहमद का काफिला जैसे ही खराई चेक पोस्ट से होकर गुजरा, वहां अचानक वैन के सामने एक गाय आ गई और वैन से टकरा गई, जिससे गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वैन भी पलटने से बची। गौरतलब है कि उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया डॉन अतीक को देर रात गुजरात से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया जा रहा है। इस दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। कुछ स्थानों पर अतीक को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते शिवपुरी और झांसी में अतीक का काफिला रोका गया। कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई, जहां पर उनके द्वारा लंबित शिकायतों के समय पर उचित और सही निराकरण के आदेश दिए गए। बैठक में समस्त विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। आपका जहां जहां ज्यादा पेंडेंसी है वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज मंत्रालय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सभी जिलों में संचालित कार्यों की वीसी के माध्यम से समीक्षा की गई। इस दौरान सभी जिले के माध्यम से जुड़े रहे सीएम द्वारा चल रहे सभी कार्यों के बारे में जानकारी ली गई और समय पर कार्यों के पूर्ण होने की बात कही गई। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज़ एमपी पर। धन्यवाद।